हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं इस ड्रेस के साथ की आपको पगड़ी बनाना बताती हूँ। ये पगड़ी जो हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से, और एक नंबर कान्हा जी के लिए हमने ड्रेस बनाई है। एक नंबर कान्हा जी के लिए ही हम आपको पगड़ी बताएंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए हम इस ड्रेस के साथ की आपको पगड़ी बताते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने यही कलर लिया है और 11 नंबर सिलाई ली हुई है। और पगड़ी बनाने के लिए यहाँ पे एक नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं। सिंपल ही मैंने फंदे डाले हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ पे 30 फंदों से लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बताएंगे, एक नंबर लड्डू गोपाल के लिए इस ड्रेस के साथ की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की पगड़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पगड़ी बनाना बताते हैं, और बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएगी ये। हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही जल्दी बनके ये झटपट बनके कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से। और जिनको नहीं आता है वो भी इसे बना सकते हैं। तीस फंदे मैंने डाल लिए हैं, ये देखिए पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। और 0 नंबर कान्हा जी के लिए भी हमने इसी तरह से बनाई हुई है, जिस तरह से हम आपको एक नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं। उसमें हमने 25 फंदे डाले हैं, इसमें हमने 30 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से इसको बना के पहली सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। सिलाई यहाँ पे बन के कम्प्लीट है, ये देखिए उल्टी सिलाई को भी हम इसको पूरा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं उल्टी सिलाई को बना लेती हूँ और इसे हमने ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम इसको उल्टी सिलाई को वो कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई भी हमने यहाँ पे बना ली है। अब ये देखिए हम सीधी सिलाई बना रहे हैं, तो एक सिलाई यहाँ पे बनके कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई बना ली है फंदे डाल के। अब हम दूसरी सिलाई पे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे तीन सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए बनाना हमें इसी तरह से दोनों तरफ उल्टा उल्टा, एक दो, दूसरी सिलाई पे हैं और तीन सिलाइयाँ हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, तीन सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। और हम ये उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ से हम ये देखिए सभी फंदों को बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने तीन सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, ये देखिए दोनों तरफ से इसी तरह से। ये देखिए अब यहाँ से हम ये देखिए सभी फंदों को बंद करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बिल्कुल आसान है, इसी तरह से मैं सभी फंदों को घटा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सभी फंदे घटा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सभी फंदे हमने बंद कर दिए हैं, और इसी धागे में ये देखिए यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। और ये देखिए इस वाले फंदे में से हम ये धागा इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए बिल्कुल आसान है। और इसी में हम अब सुई को डालेंगे इसी वाले धागे में।
यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसी धागे में सुई को डाल लिया है और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये तीन सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर दी हैं। चौथी सिलाई पे हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब ये देखिए हम इस तरह से ये देखिए पगड़ी को हम किस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से दोनों तरफ बराबर बराबर मोड़ लिया है इसको। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से उंगली से पकड़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए सिलाई करेंगे हर चैन में से निकालते हुए। उल्टी तरफ से हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान है ये। इस तरह से हम हर चैन में से निकालते हुए यहाँ पे ये देखिए सिलाई कर लेंगे। देखिए हम पूरी सिलाई आपको करके दिखा रहे हैं। इस तरह से और ये देखिए इस तरह से सभी को हम हर चैन में से निकालते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। धागा डाल लेते हैं। ये इस तरह से हर चैन में से निकालते हुए हमने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। ये देखिए बिल्कुल आसान है सिलने में भी। अब ये देखिए मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है। अब आप इसके ऊपर अपनी पसंद का ये देखिए कोई भी बटन इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारी पगड़ी बन गई है ये बहुत आसान तरीके से। और ड्रेस के साथ की हमने ये पगड़ी बनाई है। ये देखिए इस कलर का इस पे स्टोन लगा लिया है ये। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनके कंप्लीट है। ये देखिए काफ़ी सुंदर बन गई है और बनाने में तो बिल्कुल आसान है ये। ये देखिए इस तरह से ये देखिए बिल्कुल आसान है बनाने में। आप इसे 10 मिनट में बना के कंप्लीट कर लोगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ी हम इसको काफ़ी बड़ी ही बनाते हैं क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल को बालों के ऊपर से पहनाते हैं। तो देखिए आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल की पगड़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।